दो तीन साल से मैं प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एसिडिटी होती है। जितना मैं डर रहा था उतना वैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा ही टेस्ट है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं। मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सर्जरी के दौरान। और अभी मैं शाम को अभी मैंने जूस भी पिया है, अनार का पानी भी पी रहा हूँ। तो ऐसा जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं। सर्जरी में मैं पूरी तरह से हैप्पी हूँ। पहले मैं डरता था लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। एसिडिटी से संबंधित मुझे जो शिकायत पहले हुआ करती थी, सालों से मैं परेशान था, वो 5 सालों में मुझे एक बार भी नहीं हुई है। हाय एवरीवन, मेरा नाम राकेश तिवारी है। एक्चुअली मुझे 2-3 साल से मैं प्रॉब्लम हो रही है, मुझे एसिडिटी होती है। तो पहले मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को मिला, तो उन्होंने मुझे मतलब एंटासिड वगैरह दे के वो एसिडिटी को थोड़ा सा दबा देते थे, लेकिन मुझे आराम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो फिर मैं चंडीगढ़ में उस समय था, तो मैं PGI में मैंने टेस्ट कराए। मैं 6-7 महीने तक रेगुलर वहाँ पर जगाया, और उन्होंने मुझे एंडोस्कोपी वगैरह करने के बाद बताया कि आपको एक हाइटल हर्निया है। तो आपको इसके लिए उन्होंने कहा कि या तो इसका कोई इलाज नहीं है, या तो आप मेडिसिन चलाते रहिए पूरी लाइफ, या फिर एक सर्जरी ऑप्शन है। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर्जरी के लिए, तो उन्होंने कहा अभी सर्जरी आपको नहीं करनी है, आप मेडिकेशंस पे रहेंगे, आप मेडिसिन लीजिए। तो पिछले 3 साल से मैं मेडिसिन लेता आ रहा हूँ, और मैंने कई सारे डॉक्टर्स को दिखाया और मुझे कोई भी सही सजेशन कहीं से भी नहीं मिला। तो हर लोग यही बोलते थे कि आप जो है मेडिसिन लीजिए कुछ साल, मतलब टालते रहे कि मैं कैसे सही हूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने काफ़ी सर्च किया, बहुत चीज़ें मैंने सर्च करी, तो पता चला कि इसका सर्जरी ही एक इलाज है और कोई इलाज नहीं है इसका। तो आप आज करा लीजिए, चाहे 5 साल बाद करा लीजिए, चाहे 10 साल बाद करा लीजिए, बट आपको सर्जरी ही करानी पड़ेगी, अदरवाइज आप मेडिसिन ही लेते रहोगे। और मेडिसिन में एक प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक बार भी मिस करते हो तो फिर आप उसको, आपको बहुत तेज एसिडिटी होगा और आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपको फिर से मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, मेडिसिन आप छोड़ नहीं सकते। मैं कल यहाँ पर आया था तो PS टेस्ट के लिए डॉक्टर चिराग ने मुझे बोला। पहले तो मैं डर रहा था कि कैसे हो पाएगा, नली ऊपर से नाक से पेट में जाती है, फिर मैं कैसे खाऊंगा कैसे पीऊंगा। बट कल मैंने ये टेस्ट करवाया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ स्टार्टिंग में जिससे मैं टेस्ट हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। थोड़ा सा इरीटेशन होता है क्योंकि जब गले में ये नली जाती है थोड़ा सा तो इरिटेशन होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही अपने माइंड को डाइवर्ट करेंगे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, जब मैं पूरा 24 घंटे होने वाले हैं, मुझे 10-15 मिनट बाकी हैं केवल, लेकिन मुझे कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार भी नदी जाने के बाद मुझे वॉमिट नहीं हुआ या खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं हुई। थोड़ा सा हाँ गले में ज़रूर लगता है कि हाँ कुछ फंसा हुआ है, क्योंकि पहली बार ये नली अंदर है हर समय, तो थोड़ा सा इरिटेशन है, बाकी और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, जितना मैं डर रहा था उतना वैसा कुछ है नहीं, नॉर्मल सा ही टेस्ट है, कोई घबराने वाली चीज़। नींद आ गई थी? हाँ जी, नींद भी प्रॉपर आई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई, खाने बैठने उठने में हंसने में बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियोज़ में पोस्ट किया था कि मेरा जब सर्जरी होगा तो मैं आपको बताऊँगा। तो आज सुबह मैं 8:30 मेरी सर्जरी शुरू हुई। ऑलमोस्ट अप्रॉक्स 3 आवर्स की सर्जरी थी, और मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सर्जरी के दौरान। और अभी मैं शाम को अभी मैंने जूस भी पिया है, अनार का पानी भी पी रहा हूँ। तो ऐसा जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं, आराम से खा पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, टॉयलेट भी खुद ही जा रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो बहुत इजी सा मुझे लगा कि बहुत इजी है, और डॉक्टर चिराग ने तो मतलब जादू ही कर दिया। मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऐसा कुछ हो पाएगा, इतना बड़ा ऑपरेशन मैं देख के डर रहा था इसके वीडियोज, बट जैसा महसूस कर रहा हूँ मुझे लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत अच्छा रहा। तो मेरे लिए तो डॉक्टर चिराग ठक्कर एक भगवान जैसे हो गए। तो अब इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा कर दिया, मैं इतने सालों से परेशान था, अब मेरा ऑपरेशन हो गया है, होपफुली मैं मतलब बेटर कर पाऊँगा, आप मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं यही सोचता हूँ। तो कुछ महीने बाद मैं फिर से बताऊँगा आप लोगों को कि क्या इम्प्रूवमेंट है। फिलहाल सर्जरी में मैं पूरी तरह से हैप्पी हूँ। पहले मैं डरता था लेकिन अब मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है उनको डरना नहीं चाहिए, मैं उनको यही सजेशन दूंगा कि आप डॉक्टर चिराग से एक बार मिले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने ऑपरेशन के बाद कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि मुझे कितना
अच्छा महसूस हो रहा है, कितना मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ पहले से। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आज पूरे 3 महीने हो गए हैं, ऑपरेशन हो चुका है मेरा और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं ली है एसिडिटी से रिलेटेड, और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है खाने पीने में, निगलने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जो क्वांटिटी में मैं पहले खा पाता था अब उस क्वांटिटी में नहीं खा पाता हूँ। जैसे पहले मैं दिन में 3 बार अपना डाइट प्लान था मेरा, मैं 3 बार खाना खाता था, तो मैंने अब उसको बढ़ा के दिन में 5 या 6 बार मैं खाता हूँ, स्मॉल डाइट लेता हूँ। बाकी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा रहा, डॉक्टर चिराग ठक्कर ने बहुत अच्छा ऑपरेशन किया है, इसमें कोई भी मुझे डाउट नहीं है। और मैं चाहूँगा कि जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करे प्रॉब्लम को, डॉक्टर चिराग ठक्कर से मिले ताकि आपकी ये प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सके। आज मेरी सर्जरी को 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए एक मैं आप लोगों को अपडेट दूँ कि मैं कैसा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है, अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और एसिडिटी से संबंधित मुझे जो शिकायत पहले हुआ करती थी, सालों से मैं परेशान था, वो 5 सालों में मुझे एक बार भी नहीं हुई है। डॉक्टर चिराग ने बहुत अच्छा काम किया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डॉक्टर साहब जो है वो पर्सनली टच में रहते हैं, तो कभी कोई समस्या अगर मुझे हुई तो एटलीस्ट मेरे पास उनका नंबर है, पर्सनल नंबर है, मैं उनसे कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। और वो ईजिली अवेलेबल होते हैं और वो सारी बातें सुनते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मेरी लाइफ में मैं बहुत ही चुनिंदा कुछ डॉक्टर्स हैं, उनमें से चिराग ठक्कर जी हैं, एक फैमिली मेम्बर की तरह हैं सर। ये आप लोगों को ये बताऊँगा कि चिराग ठक्कर जी जो है फैमिली मेम्बर की तरह ही मुझे लगते हैं, मुझे तो लगता ही नहीं कोई वो बाहर के हैं। कभी भी मैं उनसे कुछ भी डिस्कस कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम से संबंधित, फिलहाल मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और वो खुद ही अपनी तरफ से फॉलोअप ले लेते हैं तो बहुत बड़े बात है। रेगुलर फॉलोअप ले रहे हैं, 5 साल के बाद तो डॉक्टर का नाम भी पेशेंट भूल जाता है, और पेशेंट का नाम तो डॉक्टर को कभी मुझे नहीं लगता कोई याद रखता होगा। फिलहाल चिराग जी के साथ ऐसा नहीं है, तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ उनकी सर्जरी से। थैंक यू।